यूपी के सहारनपुर में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने विधानसभा क्षेत्र के लिए अपने पहले प्रत्याशी की घोषणा करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार किसान विरोधी सरकार है और इस अध्यादेश से किसानों को कोई फायदा नहीं है। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की कमर तोड़ने वाली सरकार किसानों को तोड़कर रख देना चाहती है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि किसान विरोधी अध्यादेश लाने वाली सरकार किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है और इसका वह पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि वह पहले भी पंजाब में होने वाले इस अध्यादेश के विरोध को अपना समर्थन दे चुके हैं। देखिए, सरकार द्वारा जो अध्यादेश लाया गया किसान विरोधी अध्यादेश, जिसमें किसान को पूंजीपतियों का गुलाम बना दिया जाएगा, पूंजीपतियों के पर आधारित हो जाएंगे, और जो ये अध्यादेश जहाँ जहाँ लागू हुआ है, पहले भी इसका प्रयास करके एग्जाम्पल करके देखा गया है, वहाँ किसानों का बुरा हाल है, उन पर कर्जा है पूंजीपतियों का, तो ये अध्यादेश जो है किसान विरोधी है। इसके समर्थन में मैंने 20 तारीख को भी जो पंजाब और हरियाणा में आंदोलन था रास्ता बंद का, उसमें हमने समर्थन किया था, और 24 तारीख को जो हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन है सभी जिला मुख्यालयों पर, उसमें जो है ज्ञापन में इसकी पुरजोर मांग उठाई गई कि ये खत्म किया जाए, ये बिल जो है वापस लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के भिवंडी इलाके में 3 मंजिला इमारत गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। सोमवार सुबह 3 बजे हुए हादसे में 10 लोगों की जान चली गई। घटना मुंबई से सटे भिवंडी के धामनकर नाका के पास पटेल कंपाउंड इलाके की है। इमारत के मलबे में अभी भी 35 से 40 लोगों के फंसे होने की आशंका है। जानकारी मिलने के बाद मौके पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड, डिजास्टर मैनेजमेंट, एम्बुलेंस और जिम्मेदार अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग 40 साल पुरानी है। जिलानी नाम की है बिल्डिंग है, यह 30-40 साल पुरानी बिल्डिंग यहाँ पर बनाई थी। इसमें अभी तक 10 लोगों की मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, और 11 से 12 लोगों को जीवित बाहर निकाला गया है। और भी कई लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं, और एनडीआरएफ है, लोकल कॉरपोरेशन की टीम है, टीडीआरएफ है, सब लोग बचाव कार्य कर रहे हैं, उनको जीवित बाहर निकालने की कोशिश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए सभी विधायकों को 1-1 करोड़ की विधायक निधि को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने ये धनराशि विधायक निधि वर्ष 2020-21 में विधायक निधि योजना अंतर्गत सभी विधायकों को दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निधि से विधायकों को अपने क्षेत्रों में क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप विकास कार्य संपादित करने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। छत्तीसगढ़ के चांपा में आजकल स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं, जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। हालात ये हैं कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अल्टीमेटम के बाद भी वे काम पर नहीं लौटे हैं। आपको बता दें, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने शनिवार 19 सितंबर से 1 सूत्रीय मांग नियमितीकरण को लेकर वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों के नहीं रहने पर सरकारी अस्पताल नवागढ़ में सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। संविदा कर्मचारी, जैसे कि आपको पता है कि सभी सब स्ट्राइक में हैं, 19 तारीख से स्ट्राइक में हैं, तो उसके कारण हमारे जो नवागढ़ ब्लॉक के हैं 54 कर्मचारियों ने अपना ज्ञापन दिया है हमको, जो कि आंदोलन में है और हड़ताल में है। तो जिसके कारण अभी आपको जैसे पता है कि कोरोना महामारी के कारण वैसे ही हम लोगों का कार्य लगभग घूमने या दिखना हो चुका है, कि कर्मचारी और कम होने के कारण हमको परेशानी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है, चाहे अस्पताल हो चाहे फील्ड हो, हर जगह गाँव की सैम्पलिंग इस कारण काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। कोरोना की सैम्पलिंग करने में भी हमको बड़ी तकलीफ हो रही है, साथ में अस्पताल चलाने के लिए भी हमारे पास वर्कर्स नहीं है, क्योंकि आधे वर्कर्स की ड्यूटी जो है कोविड अस्पताल में लगी हुई है, और इसके बाद फिर ये हड़ताल के कारण हम काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। जी हाँ, वो लेटर आज सबको दिया जा रहा है, जितने भी कर्मचारी हैं, अगर आज की 21 तारीख को समय 11 बजे तक का समय दिया गया था हमको, यहाँ पर अपनी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें, अन्यथा महामारी एक्ट की तरह और भी जितने भी एक्ट हैं इसके तहत कार्रवाई की जाएगी। तो आज उनको सबको नोटिस दिया गया है, लेकिन अभी तक किसी ने भी ज्वाइन नहीं। नेशन वन के लिए जांचगीर चांपा से दीपक यादव की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के चांपा में सभी जिले और नगरीय निकाय 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। आपको बता दें, अब जिले से बाहर जाने के लिए ई पास बनवाना अनिवार्य होगा, जिसका आदेश आज जांजगीर के कलेक्टर यशवंत कुमार ने जारी किया है। जांजगीर चांपा से दीपक यादव की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में विद्युत विभाग में कैशियर और कर्मचारियों ने मिलकर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है। आपको बता दें, बुलंदशहर में 30 कर्मचारियों ने मिलकर भ्रष्टाचार करके विद्युत विभाग को दिन में ही तारे दिखा दिए। आलम तो ये है कि भ्रष्टाचार करने के बाद भी कई कर्मचारी आज भी ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि अब विभाग ने 30 कर्मचारियों पर कोई थाने में गमन की धारा दर्ज करा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। यूपी के बुलंदशहर में योगी सरकार मिट्टी खनन पर रॉयल्टी वसूलेगी। अगर कोई सोगन मीटर या उससे अधिक साधारण मिट्टी का खनन करता है तो उसे विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहीं रॉयल्टी जमा करने के बाद ही मिट्टी खनन की अनुमति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लॉकडाउन का पहला दिन बहुत सख्ती के साथ बीता। आपको बता दें, प्रशासन ने शहर की सभी सीमाओं को बंद कर रखा है और बेवजह घूमने वाले व्यक्तियों पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं रेलवे एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य कर्मियों को भी पूछताछ के बाद काम पर भेजा जा रहा है। हमर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश अभियान के तहत ग्रामीण विकास निगरानी समिति किकिरमेटा के युवाओं को आज एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के रूप में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और जिस तरह से आज़ादी के 73 सालों में देश में भ्रष्टाचार कभी ख़त्म नहीं हो सकता, बेरोजगारी की समस्याएं कभी ख़त्म नहीं हो सकती, किसान आत्महत्या कभी रुक नहीं सकता, ऐसी समस्याओं को दिन प्रतिदिन शासन प्रशासन के लोगों के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है और लोगों के दिमाग में एक र्यूमर, एक उपधारणाएँ, एक परसेप्शन बैठा दी गई है कि समस्याओं का समाधान नहीं है। इस विषय को हम लोग खंडित करते हुए कि भ्रष्टाचार को पूरी तरह सरकार चाहे तो कैसे खत्म कर सकता है, बेरोजगारी की समस्याएं पूरी तरह किस तरह से खत्म हो सकती है, किसान आत्महत्याओं पर कैसे रोक लगा सकती है, इन तमाम विषयों को लेकर हमर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की अभियान पूरे छत्तीसगढ़ में चल रही है। इसी विषय को लेकर आज एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम यहाँ रखा गया था और हम लोगों ने आज यहाँ चर्चा किया कि भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की समस्या को पूरी तरह कैसे खत्म किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर पुलिस प्रशासन भी गंभीर है। इस दौरान सरकारी नियमों का पालन न करने पर पुलिस ने प्रदेश में 3 लाख लोगों पर कार्रवाई की है और लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 15 करोड़ का जुर्माना वसूला। उत्तराखंड के अपराध एवं कानून व्यवस्था के महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि प्रदेश में अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर 49,852, मास्क न पहनने पर 3,03,448, क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर 942 और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर 212 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर चालान किया गया। डिस्टेंसिंग में अभी तक 49,652 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई, मास्क नहीं पहनने पर 3,03,448 पर कार्रवाई हुई, क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर 942 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर कुल 212 लोगों पर कार्रवाई हुई है और कुछ और धाराओं को मिलाकर अभी तक कुल 4,22,543 लोगों पर लॉकडाउन के उल्लंघन की कार्रवाई हुई। सर, पुलिसकर्मी कितने संक्रमित और इसमें से 4,789 लोगों के 1,000 हुए और अभी तक कुल संयोजन शुल्क जो है 15,52,00,000 रुपये वसूला गया। अगर हम पुलिसकर्मियों की बात करें तो अभी तक 1,121 पुलिसकर्मी जो है संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 765 लोग ठीक हो चुके हैं और 623 लोग हमारे जो है ड्यूटी पे वापस भी आ चुके हैं। आपको पता ही है कि हमारे 2 पुलिसकर्मी जो है इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। काफ़ी हमारे अधिकारी भी, आपको पता ही है, 3 SSP रैंक के अधिकारी और बहुत सारे एडिशनल SPCO रैंक के अधिकारी भी संक्रमित हुए हैं। संक्रमित हुए हैं यद्यपि हम लोगों ने अपने उससे बेस्ट प्रिकॉशन देने को उनको बोला है, हमारा
हमारा प्रयास है कि पुलिस में संक्रमण कम हो। ब्यूरो रिपोर्ट नेशन वन। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रही है। राज्य में डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों के साथ साथ पर्याप्त संख्या में कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की सुविधा दी जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों में भी कोविड के इलाज की अनुमति देते हुए इलाज की दरें सरकार द्वारा फिक्स की गई हैं। अटल आयुष्मान योजना के लाभार्थी निर्धारित प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का कैशलेस उपचार करा सकते हैं। इस महामारी की रोकथाम के लिए नागरिकों का सहयोग बहुत जरूरी है। अनलॉक का अर्थ ये नहीं है कि खतरा टल गया है। मास्क लगाना और 2 गज की शारीरिक दूरी बनाकर रखना बेहद आवश्यक है। सतर्क एवं जागरूक रहकर ही इस कोरोना को हराया जा सकता है। आयुष चिकित्सकों ने कोरोना काल में वेतन कटौती पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है, साथ ही प्रोत्साहन भत्ता देने के लिए कहा। राजकीय आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉक्टर डीसी पसबोला ने सरकार के वेतन कटौती के निर्णय को हतोत्साहित करने वाला बताया है। डॉक्टर पसबोला का कहना था कि बेहतर होता सरकार वेतन कटौती करने के बजाय आयुष चिकित्सकों को प्रोत्साहन भत्ता देकर उनका मनोबल बढ़ाती। हालांकि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री द्वारा एलोपैथिक चिकित्सकों को इस संबंध में सकारात्मक आश्वासन देकर उनके कार्य बहिष्कार करने के निर्णय वापस करवा दिया गया। आयुष चिकित्सकों द्वारा उत्तराखंड सरकार से सामने 2 मुख्य मांगे रखी गई हैं। एक तो 1 दिन की वेतन कटौती वापस लेकर उन्हें 1 माह के वेतन के बराबर प्रोत्साहन भत्ता दिया जाए। दूसरा, आयुष चिकित्सकों की बहुप्रतीक्षित DSEP की मांग शीघ्र पूरी की जाए। अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा एलोपैथिक चिकित्सकों को 1 दिन की वेतन कटौती वापस लेने का आश्वासन दिया गया था तथा उनका प्रस्ताव भी महानिदेशालय से चला गया है, जबकि आयुष चिकित्सकों को इस संबंध में इस तरह का कोई भी सकारात्मक आश्वासन नहीं दिया गया है। और जो प्रस्ताव महानिदेशालय से शासन में गया भी है तो उसमें आयुष चिकित्सकों का जिक्र तक नहीं किया गया है, जबकि जितने कोविड ड्यूटी में जितने भी सर्विलांस सेंटर्स हैं, कोविड केयर सेंटर्स हैं या अन्य जहां भी कोविड ड्यूटी लगी है वहां 95% आयुष चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ ही पूरी जी जान से लगे हुए हैं। उनके कंपैरिजन में एलोपैथिक चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ केवल 5-10% ही हैं, फिर भी उन्हें उनके 1 दिन की वेतन कटौती वापस ले ली गई है, जबकि आयुष चिकित्सकों की वेतन कटौती वापस लेने के लिए ना तो कोई आश्वासन दिया गया है और ना ही कोई प्रस्ताव ही इस संबंध में शासन में भेजा गया है, वो जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसलिए मैं उत्तराखंड सरकार से मांग करता हूँ कि आयुष चिकित्सकों की भी 1 दिन की वेतन कटौती वापस ली जाए तथा उन्हें 1 माह के वेतन के बराबर प्रोत्साहन भत्ता दिया जाए। दूसरा, आयुष चिकित्सकों की बहुप्रतीक्षित DSEP की मांग भी शीघ्रातिशीघ्र पूरी की जाए। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट नेशन वन। भ्रष्ट BJP सरकार के खिलाफ समाजवादियों का हल्ला बोल। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन पर हरदोई समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू पटेल के नेतृत्व में BJP की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर BJP सरकार की गलत नीतियों से कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं में हुए भ्रष्टाचार, बेहाल किसान, बेरोजगार नौजवान, आरक्षण पर वार, ध्वस्त कानून व्यवस्था, समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न, घोटालों पर नियंत्रण नहीं। नेशन वन के लिए हरदोई से शोभित सिंह की रिपोर्ट।
दुग्ध उत्पादन एवं प्रोटोकॉल मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित कार्यालय में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों की प्रगति को लेकर समीक्षा की। इस दौरान डॉक्टर रावत ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण का कार्य तेजी से पूरा किया जाए। भारत के अग्रणी ईपीसी प्रोजेक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस एवं सर्विसेज समूह लार्सन एंड टुब्रो ने 99 मेगावाट के सिंगोली फटवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट शुरू किए जाने के लिए 100% तैयारी हो जाने की आज घोषणा की है। प्रसिद्ध चारधाम मार्ग पर स्थित और सालाना 400 मिलियन यूनिट्स नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता वाले इस जल विद्युत संयंत्र के चालू हो जाने से उत्तराखंड राज्य को काफी बल मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।